गुड मॉर्निंग पहाड़ी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? होप आई आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके एक और नए फ्रेश और कमाल ब्लॉग में। दोस्तों मैंने कल आपको वीडियो दिखाई, ब्लॉग दिखाया, पूरे दिन भर काफ़ी खतरनाक मौसम हो रहा था, लेकिन आज देखिए वेदर पूरा खुल चुका है, बढ़िया धूप आई है, लेकिन रात भर बारिश काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुई है। तो मैं दिखाता हूँ पहले मौसम। मुझे तो लग रहा था यार कि बर्फ़ गिरेगी, आप लोगों को बढ़िया वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन वैसा तो मिला नहीं, खाली बारिश ही बारिश हुई है और कुछ खास यहाँ पर ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन बारिश ज़्यादा हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। पहले मैं दिखाता हूँ खूबसूरत मौसम, फिर करता हूँ आगे आपसे और बातें। तो चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा हमारी ऐसे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज के लिए। तो चलिए पहले आपको खूबसूरत मौसम दिखाता हूँ पहाड़ों से सुबह के टाइम। दोस्तों ये है आज मॉर्निंग का मौसम, देखिए बढ़िया धूप आ चुकी है पहाड़ों में और हल्के हल्के बादल छाए हैं और नमी लग रही होगी आपको पहाड़ों में। आज भारी बारिश हुई है, कल लगातार बारिश हुई है, रात भर बारिश हुई है, बर्फ़ तो गिर नहीं पाई क्योंकि बारिश ही ज़्यादा हुई है। और देखिए अभी कैसा लग रहा है पहाड़ों में, एकदम शांत माहौल। देखिए कितनी बारिश हुई है, खेतों में कितनी बढ़िया नमी हो चुकी है, काफ़ी बढ़िया मौसम लग रहा है आज। और जंगल वंगल पेड़ वेड़ सारे कुछ बढ़िया लग रहे हैं, अभी देखिए क्लीन वेदर दिख रहा है, खूबसूरत मौसम अभी पहाड़ों में बारिश के बाद। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, काफ़ी नमी लग रही है। तो मैं अभी निकलता हूँ कसियाली की तरफ, मुक्तेश्वर का आपको मौसम दिखाऊंगा किस प्रकार का मुक्तेश्वर का मौसम है। बारिश पूरे मुक्तेश्वर में हुई है, बर्फ़बारी हो नहीं पाई और बढ़िया धूप खिली हुई है सुबह के टाइम में। तो ये कुछ माहौल है अभी, ये कुछ मौसम है। तो चलिए चलते हैं अभी थोड़ी देर। तो दोस्तों मौसम आपने देखा होगा, सुबह का मौसम कुछ इस प्रकार हुआ है। बर्फ़ तो गिर नहीं पाई, मैं वो दिखा नहीं पाया आपको, लेकिन बारिश होगी, किसानों के लिए बढ़िया हो गया, जिन लोगों ने अपनी फसलें लगाई हैं, गेहूँ वगैरह बो रखे हैं और जो लोग आलू की तैयारी करेंगे उन लोगों के लिए बढ़िया हो गया। तो चलिए कसियाली की तरफ चलते हैं, अभी है नाश्ते का टाइम, नाश्ते में चल रहा है अभी खीर बनी हुई है। खीर तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं कसियाली मार्केट, ये हमारा शिवालय मंदिर कसियाली मार्केट पर, और ये सामने मुक्तेश्वर घाटी। खूबसूरत मौसम दिख रहा है और खूबसूरत व्यू आ रहा है और बादल देखिए मुक्तेश्वर घाटी से नीचे एकदम बढ़िया लग रहे हैं। तो चलेंगे यहाँ से चौखुटा के लिए। फ्रेंड अभी आया हुआ था मैं चौखुटा पे, 9:30 बजे का टाइम हो रहा है, लग रहा था कि मौसम बढ़िया होगा, साथ देगा और काम हम स्टार्ट करेंगे। काम अभी वर्कर भी आ चुके हैं, काम स्टार्ट भी हो चुका है, लेकिन मौसम फिर से वैसा ही हो रहा है। सुबह देखिए कितना बढ़िया धूप खिली हुई थी, कितनी बढ़िया मौसम हो रहा था, मैंने आप लोगों को व्यू दिखाया था तो आप लोगों को भी पसंद आया होगा सुबह जिस प्रकार से धूप खिली हुई थी। लेकिन अभी आते आते फिर वैसा ही मौसम हो गया। मैं आपको एक बार नज़ारे दिखाता हूँ मौसम के, किस प्रकार के नज़ारे यहाँ पर हुए हैं। मौसम का पहाड़ों में कोई भरोसा नहीं होता है फ्रेंड, क्योंकि कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है। तो देखिए पहले मौसम दिखाता हूँ आपको मैं, बेहतरीन मौसम हुआ है अभी। फ्रेंड ये देखिए अभी मौसम फिर से वैसा ही हो गया है, आप देखिए पूरे आसमान में क्लाउड आने लगे हैं, बढ़िया मौसम हो गया है। देखिए कल रात भी काफ़ी बारिश हुई थी, पूरे दिन भर मैंने आपको कवरेज दिखाया था, ब्लॉग नहीं दिखा तो ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा। वैसे ही फिर मौसम अभी वैसा ही फिर भरने लगा है, देखिए आसमान में पूरे क्लाउड आने लगे हैं और क्या होता है मौसम कह नहीं सकते अभी। ये देखिए पूरा मौसम एकदम फिर से भर गया है, आसमान में एकदम क्लाउड आ गए हैं। सामने कैस धानाचूली एरिया है, वहाँ देखिए आसमान से नीचे बादल उतरते हुए प्रतीत हो रहे हैं, कुछ इस प्रकार की रौनक है अभी पहाड़ में। देखिए क्या होता है, बारिश हो पाती है फिर से या नहीं हो पाती है, बर्फ़ गिरती है। तो फ्रेंड आपने मौसम देखा, कुछ इस प्रकार का ही मौसम होता है पहाड़ों में, कुछ इस प्रकार का मौसम देखने को मिलता है, मज़ा आ जाता है। पहाड़ों का मौसम की बात ही अलग होती है, कब क्या हो। सुबह बढ़िया धूप खिल रही थी और अभी आते आते ऐसा मौसम हो गया, और देखिए क्या होता है। और ऊपर देखिए खूबसूरत मंदिर है हमारा माता रानी का। तो चलिए देखते हैं दिन भर और मौसम क्या होता है, मैं ब्लॉग आपको दिन भर दिखाते रहूँगा। फ्रेंड जो बारिश हुई, बारिश से किसानों के लिए बढ़िया हो गया, जैसे गेहूँ देखिए, गेहूँ जो बोए हुए थे जम रहे थे, इनको काफ़ी बढ़िया नमी मिल चुकी है। और जैसे तैयारी कर रहे हैं लोग अपने खेतों में बुआई की, जैसे आलू लगाएंगे, यह है गोबर की ऑर्गेनिक खाद यहाँ पे खेतों में कुछ इस तरीके से लोग यहाँ पर डालते हैं। इसके बाद बुआई होगी, खेत में खुदाई होगी, जुताई होगी, तब जाके फसल लगाई जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो काम होता है उन चीज़ों के लिए काफ़ी बढ़िया हो चुका है। और आज भी मौसम पूरा भरा हुआ है, और देखिए अभी बज रहे 11 बजे का समय हो रहा है, देखिए दोपहर तक और शाम तक क्या होता है मौसम का रुख, मैं अपडेट आपको करते रहूँगा।
दोस्तों फाइनली चकोटा से निकल चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ घर की तरफ को, और साथ में मेरे चल रहा है मेरा भाई। तो मौसम आपने देखा किस प्रकार से पहाड़ों में मौसम है हो रहा था सुबह से, और आपने देखा काम किस प्रकार से यहाँ पर हम कर रहे थे। तो चलते हैं घर की तरफ, घर पहुँचने वाला हूँ तो फिर करेंगे लंच, फिर देखते हैं दिन में मौसम हमारा साथ देता है नहीं देता है, तो मैं बाकी के कवरेज दिखाता हूँ लंच के बाद। भाई बोल रहा है कि दे भी सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए दोस्तों फाइनली घर से निकल चुके हैं, लंच कर लिया है, और मेरे पीछे देख सकते हैं भाई ले जा रहा है कट्टे में रुई, और मैं ले जा रहा हूँ ये पेट्रोल बाइक के लिए। तो पहाड़ों में इसी तरह का हमारा हम लोगों का स्ट्रगल होता है, बोझा उठाना ही पड़ता है क्योंकि रोड सुविधा होती नहीं है और अप एंड डाउन बहुत करना पड़ता है। तो चलते हैं, और मौसम ने लगभग हमारा साथ दे दिया है, बढ़िया धूप आई हुई है, अभी नज़ारे दिखाता हूँ मौसम के आपको। तो दोस्तों ये देखिए मौसम कुछ इस प्रकार हुआ है, अभी अभी थोड़ी देर पहले कुछ मौसम अलग था, अभी देखिए धूप आ चुकी है और हल्के दुल्के क्लाउड आसमान में आपको नज़र आ रहे होंगे। सुबह से मौसम पहाड़ों में आँखमिचौली खेल रहा है, कभी धूप आ रही है कभी पूरा बादलों से ढक जा रहा है मौसम, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी बर्फ़ गिरेगी, तो कभी बढ़िया धूप आ जा रही है। तो निकलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि आगे कैसा रहता है मौसम। तो दोस्तों अभी 3:30 बजे का समय हो रहा है, मैं पहुँचा हूँ मजेड़ा साइड पर, और मौसम फिर से भर चुका है आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो काम हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे रिटेनिंग वॉल देखिए पूरी चिनाई कंप्लीट हो चुकी है, और ऊपर से अभी पत्थर नीचे डाला जा रहा है, कल की चिनाई के लिए यहाँ पर पत्थर स्टॉक किया जाएगा और कल फिर रिटेनिंग वॉल की चिनाई होगी। तो काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, और रिटेनिंग वॉल देखिए मैं आपको लुक दिखा रहा हूँ रिटेनिंग वॉल की, कुछ इस प्रकार यहाँ पर काम हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों ने काम देखा है यहाँ पर किस तरीके से काम हुआ है, और अभी जो काम मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कल के लिए पत्थर यहाँ पर फेंका जा रहा है नीचे, और मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको जो ये रिटेनिंग वॉल है आज जो चिनाई हुई है कंप्लीट हो चुकी है, और कब इसके लिए यहाँ पर पीछे पत्थर इकट्ठा किया जा रहा है। तो व्यू आप लोगों ने देखा है किस तरीके से यहाँ से व्यू आ रहा है। तो यहाँ से निकलेंगे हम चकोटा के लिए, और निकलते हैं कस्याले के लिए क्योंकि छुट्टियों का समय हो चला है। तो चलिए आगे चलते हैं, और एक बार खूबसूरत हाइपर लाइफ दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से कैसा आ रहा है, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए। तो दोस्तों शाम हो चली है, मैं जा रहा हूँ अभी घर की तरफ को, और दिन भर का ये था हमारा आज का ब्लॉग, आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा। और देखिए अभी मौसम फिर कोहरे से ढक चुका है, तो दिन भर मौसम ऐसा ही आँख में चोली करता रहा। तो इसी प्रकार के ब्लॉग डेली आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पर, उम्मीद करता हूँ आगे भी आप इसी तरह पसंद करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।